Hi, my name is Poonam. Welcome to my channel Share Knowledge. So in today's video lecture we will cover vocabulary part 4, in which I have taken 20 words. So these words are taken from the Hindu and some of the other newspapers. Let's start with the first word, that is unruffled. So unruffled is the word that means calm, fine, even, or you can say tranquil. Ruffle hota hai bahut zyada chaos. Ruffle means chaos. When it adds un with this, so unruffled means calm, bilkul theek hai, jo sahi hai, even hai, tranquil hai, ya fir जो कि डिसअरेंज नहीं है, नॉट डिसअरेंज, और सिंपली यू कैन से अरेंज्ड, फाइन. सो डिस्पैरेज भी बोल सकते हैं आप इसको, डिस्टॉर्टेड. सो दिस इज द वर्ड अनरफल्ड. आफ्टर दैट देर इज़ द वर्ड विलीफाई. विलीफाई जो वर्ड है ये मीनिंग होता है इसका कंडेम, किसी को, किसी की निंदा करना या उसके बारे में बुरे शब्द कहना, डेनिग्रेट, कंडेम, डेनिग्रेट. और यू कैन से व्हेन यू स्पीक और राइट अबाउट समबडी और राइट अबाउट समथिंग इन एब्यूसिवली डिस्पैरेजिंग मैनर, सो डिस्पैरेज करना किसी को, फाइन. सो डिस्पैरेज, दिस इज अ विलीफाई. अनरफल्ड, अनरफल्ड एक पॉजिटिव वर्ड, विलीफाई एक नेगेटिव वर्ड. देन इज़ द फ्राइवलस. फ्राइवलस एक तरह से होता है जो बड़ा ही केयर फ्री हो, जिसको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, कोई थॉट नहीं है उसके माइंड में. यू कैन से फैटुअस, इट इज़ वेरी पॉपुलर वर्ड नाउ डेज. सेंसलेस, इन लेमन लैंग्वेज यू कैन से सेंसलेस, जिसको अकल ही नहीं है, थॉटलेस, फाइन. सो दिस इज योर वर्ड फ्राइवलस, यू कैन से फ्राइवलस. उसके बाद एक्सपेक्टीज, फाइन. एक्सपेक्टीज मीन्स एडवेंचरस, समथिंग एडवेंचरस और डेयरिंग, फाइन. एडवेंचरस और डेयरिंग, और एक्ट ऑफ एन इंसिडेंस, इंसिडेंट इन्वॉल्विंग सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, फाइन. जिस काम में कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ डेयरिंग है, एक साहसी तरह का कार्य, वो होता है एक्सपेडीज. इसको पॉजिटिव वर्ड बोल सकते हैं, दैट इज़ अ नेगेटिव वर्ड फ्रेवलस. फ्रेवलस होता है केयर फ्री, एक्सपेडीज एडवेंचरस, फाइन. देन इज़ इट ट्रेवेस्टी. ट्रेवेस्टी होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, मजाक बनाना, यानी कि किसी को मॉक करना, मॉकरी, किसी की पैरोडी करना, दैट इज़ ट्रेवेस्टी, पैरोडी. अनदर वर्ड इज़ कैरिकेचर. कैरिकेचर भी होता है किसी का मजाक उड़ाना इन कॉमिक सेंस. डिस्टॉर्शन, किसी की रेपुटेशन को डिस्टॉर्ट करना, वो भी एक तरह से मोकरी ही है, ठीक है. परवर्शन है एक वर्ड, फाइन. सो इट इज ट्रेवर्सटी. उसके बाद है हाउंड. हाउंड होता है किसी को बहुत ज़्यादा तंग करना, ट्रबल, ट्रबल करना, किसी को अनॉय करते हैं जब आप, टॉर्मेंट, ये भी इसका सिनोनिम है. टॉर्मेंट वर्ड हमने शायद पहले किया है, ठीक है. तो दिस इज़ अ हाउंड, नेगेटिव वर्ड, अगेन ट्रेवेस्टी भी नेगेटिव वर्ड है. उसके बाद है गेटाइज्ड. ये होता है आइसोलेट करना किसी चीज़ को, और इंसुलेट, ठीक है. सो दिस इज अवर वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉर्च. स्कॉर्च होता है एक तरह से हार्डशिप, ठीक है. हार्डशिप मीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, या बहुत ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ रहा है, ट्रबल करना पड़ रहा है, ठीक है. सो दिस इज सिंपली यू कैन से हार्डशिप, और कुछ, कोई ऐसा पर्सन और अ थिंग जिसकी वजह से, दैट कॉजेज ट्रबल, फाइन.
और यू कैन से सफरिंग्स. सो दिस इज वी कॉल्ड स्कॉच. देन इज आउटपेस. आउटपेस क्या होता है, जब हम बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं किसी काम में, ठीक है, उसको बोलते हैं आउटपेस. मीन्स टू गो और राइज और इम्प्रूव, और बहुत ज़्यादा जल्दी अगर करते हैं, इम्प्रूव फास्टर, सो इट इज़ आउटपेस. लाइक सम बिजनेस आउटपेस इन अ नाइट, ठीक है, रातों रात ही इतने ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं, तो दैट इज़ आउटपेस. ठीक है, देन इज डिप्रेव्ड. डिप्रेव होता है बहुत ज़्यादा बुरा, मॉरली बैड, ठीक है, मॉरली बैड ये होता है डिप्रेव्ड. इविल भी आप कह सकते हो इसको, दैट इज मॉरली बैड और इविल, दैट इज डिप्रेव्ड. फाइन, देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज स्मग. स्मग क्या होता है, जब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कंप्लेसेंट, आप खुद में ही बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज अवर स्मग. फाइन, सो स्मग इज सेल्फ सेटिस्फेक्शन और यू कैन से कंप्लेसेंट. कंप्लेसेंट वर्ड भी बहुत बार रिपीट हुआ है, दैट इज स्मग. और यू कैन से देन यूज इज सेल्फ सेटिस्फाइड और वेल प्लीज्ड. आप अपने आप से बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं. वैसे वन शुड नॉट बी कंप्लेसेंट. तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, और इस केस में हम प्राउड भी करते हैं खुद पे, प्राउड ऑफ वन सेल्फ, सो दैट इज अगेन द मीनिंग. उसके बाद है हैगर्ड. हैगर्ड होता है बहुत ज़्यादा एक तरह से थक जाना, या फिर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करना, ठीक है, लुकिंग एग्जॉस्टेड एंड लीन, एक तरह से बहुत ही कमज़ोर तरह का लगना, इमेसिएटेड, दिस इज द वर्ड, ठीक है, हैगर्ड, काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड. तो ये आप अपने आप से कर सकते हैं इसको, कि किस तरह से हैं, ठीक है. देन इज द हंच. हंच होता है एक तरह का आइडिया, ठीक है, नोशन, आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, फीलिंग और गैस. बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, ठीक है, रादर देन फैक्ट. किसी फैक्ट के बेस पे आप कोई चीज़ नहीं बोल रहे हो, आपकी अपनी फीलिंग है, आपका अपना आइडिया है, नोशन, आप क्या गेस कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, दैट इज़ योर हंच. फाइन, यू आर नॉट एक्यूरेट और एक्सपेरिमेंटली ट्रू अबाउट दैट, सो इट्स जस्ट अ हंच. अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ फिजल्ड. फिजल्ड क्या होता है, कि आप बुरी तरह से हार जाते हो, जब बहुत ट्राई करते हैं, बट इन द एंड व्हेन यू जस्ट फेल, इन द एंड यू जस्ट फेल, यू जस्ट वीक इन वेरी डिसअपॉइंटिंग वे, सो देन यू जस्ट फिजल्ड, ठीक है, बहुत ही नेगेटिव वर्ड है एक तरह से. सो एंड इन डिफीट, मतलब आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जब जो एंड हो रहा है उसका, वो आपकी डिफीट में ही बदल रहा है, तो दैट इज एंड इन डिफीट. और डिसअपॉइंटिंग, जो एंड है दैट इज इन डिफीट और डिस अपॉइंटिंग वे, डिसअपॉइंटिंग वे, और फेल होना, फेल इन वीक, ठीक है. सो दिस इज, आई होप यू आर गेटिंग माई हैंड राइटिंग. देन इज द सैलवेज. सैलवेज वर्ड जो होता है, इसमें क्या करते हो, बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक लॉस में आने से बचा लेते हैं. मीन्स अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित कर लेना, बहुत ही एडवर्स सर्कमस्टांसिस में भी, ठीक है, और कुछ चीज़ें कुछ प्रिजर्व कर लेना, कंजर्व कर पाना, उसको बोलते हैं हम सैलवेज, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है. तो रेस्क्यू फ्रॉम लॉस, यू कैन से प्रिजर्व, कंजर्व. सो दिस इज अबाउट
सैलवेज, रेस्क्यू फ्रॉम लॉस इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, एडवर्स सर्कमस्टांसेस में। देन अब नेक्स्ट वर्ड इज सैंग्विन। सैंग्विन होता है बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, बहुत पॉजिटिव सोचने वाला, चाहे किसी भी तरह की कंडीशन है, कॉन्फिडेंट रहना खुद में, ठीक है, वो जो पर्सन है या वो उस तरह की जो इमेज है दैट वी कॉल कॉन्फिडेंट, होपफुल, ठीक है, बहुत ही होपफुल रहना, ब्यूएंट, लाइफ से भरे रहना हमेशा, लिवली, तो इस तरह के वर्ड्स हैं ये सैंग्विन। सो रिसर्जेंट, रिसर्जेंट भी एक लिवली है, बिकॉज यू जस्ट रिकवर, रिकवरी, रिनाइसेंस, ठीक है, सो इंक्रीज करना आफ्टर अ पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी, ठीक है, तो खुद को दोबारा से ऊर्जा से भर देना, वो उसको बोलते हैं रिसर्जेंट, रिकवरी। रेनेसेंस, ठीक है, पुनर्जागरण जिसको आप बोलते हैं, फिर से रिसरेक्शन, फाइन, सो दैट इज द रिसर्जेंट। उसके बाद है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल वो होता है जिसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट है, ठीक है, हैविंग नो डाउट, आपको पता होना चाहिए इक्विवोकल का मतलब क्या होता है। इक्विवोकल होता है दोगला, गोलमोल, जिसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, इक्विवोकल है वो, ठीक है, तो अगर अनइक्विवोकल है तब उसमें कोई भी डाउट नहीं है, इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है, स्पष्ट है वो अपने आप में ही, अपेरेंट है, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं इसके लिए। उसके बाद है फिजिटी। फिजिटी मीन्स जब आप बहुत ज़्यादा रेस्टिव हो जाते हैं, अनईजी, आपको बेचैनी सी हो रही है किसी चीज़ की, तो देन यू आर इन द स्टेज ऑफ फिजिटी, मीन्स यू आर एंक्शियस, ठीक है, और यू कैन से एजिटेटेड, दिस इज़ अनदर वर्ड फॉर दैट, एजिटेटेड, और रेस्टिव, एज आई सेड, रेस्टिव, अनईजी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो दैट कंडीशन इज़ फिजिटी। लाइक रिजल्ट्स जब आने वाला होता है तो वो उस तरह की जो कंडीशन होती है, तो व्हेन वी फील क्वाइट फिजिटी, ठीक है, बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद है मस्टर। मस्टर क्या होता है, किसी चीज़ के लिए तैयार होना, स्पेशली सम काइंड ऑफ बैटल्स, हमारे लिए तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए भी अगर हम तैयार हो जाते हैं, वी जस्ट कन्वीन अवर सेल्फ फॉर दैट, दैट इज प्रिपरेशन फॉर बैटल, युद्ध के लिए तैयार हो जाना, कॉन्स्क्रिप्ट, फाइन, लाइक उसको ड्राफ्ट करना भी बोलते हैं, ठीक है, मस्टर। सो दिस इज अबाउट अवर दीज 20 वर्ड्स। आई होप यू हैव गॉट दीज मीनिंग्स, एंड इफ यू लाइक दीज वर्ड्स, सो प्लीज यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली बेसिस, तो क्या है, आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया होता रहेगा कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपली एग्ज़ाम्स में आएंगे तो आपके लिए ये एक तरह से बहुत ही, लाइक हाफ ऑफ द केक हैज़ बिन बेक्ड, इट शुड बी लाइक दैट। तो ये सम वर्ड्स हैं, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, बाकी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, सो टिल देन हैव अ नाइस टाइम।